तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को स्वागत है इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बेसिकली हम लोग इतना टाइम से स्ट्रीम कर रहे थे और चल रहा था, सारा कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसमें प्रॉपर कहानी जो है, जिस हिसाब से वीडियो का हम लोगों का फॉलो रहता था, उस हिसाब से वो फॉलो नहीं बन पाता था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग एक काम करेंगे, एक चैनल पे सिर्फ लाइव स्ट्रीम करेंगे डेली। उसमें जितना टाइम होगा, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सकेगा उतना टाइम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लेकिन बाद बाकी इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ वीडियोज देखने को मिलेगा। और एक दिन में जो भी वीडियो शूट होगा सारा वीडियो एक दिन में अपलोड करेंगे और सारा वीडियो पब्लिक करेंगे। ट्राई करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शूट हो और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो सब आए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को किसने बताया? मैं कहीं जा रही थी तो मैं वहां पे छोड़ के इधर आई हूँ। दोस्तों ये बेसिकली वीडियो उस टाइम की है जब ये लड़की जा रही थी केदारनाथ, केदारनाथ बद्रीनाथ जहां भी हो ये जा रही थी। उस टाइम भाई साहब इसको बोले थे कि कुछ टाइम रुक जाओ, हम भी साथ में चलेंगे, लेकिन ये चली गई थी। और उस टाइम की ये प्रॉपर वीडियो है। करिए, तू तो सच में चली गई, मुझे भी जाना था ना। तुम्हें जाना था तो तुमने ही मुझसे बोला ना, ठीक है सुन तुम सुन, जाओ। तुम कहने का मतलब इसको भी जाना था, लेकिन ये लोग अलग ट्रिप बना के और निकल गई। सही है, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है ये सब। क्यों, तुम दोस्त बना सकते हो, हम नहीं बना वो सकते। दोस्त नहीं बनाया था यार, वो पुराना दोस्त था, मतलब जानती थी मैं उसको। अच्छा, तुम्हारे तो पुराने दोस्त इतने सारे, नए क्यों मेरे बना रहे पास हो? हाँ बहुत सारे दोस्त हैं भाई साहब, करना बहुत सारे नए दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, तो नया फिर से बनाना क्या जरूरी है। सही है, चलिए अब उन वीडियो के बारे में थोड़ा बात करते हैं जिस वीडियो से इन लोगों की लड़ाई का शुरुआत हुआ था, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा जो भी था ये तो खत्म हो गया है। और इन ये लोग अब बस पुराना वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं, क्या रीजन है वो तो अभी नहीं बता सकते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। आई एम सो सॉरी बट मैं तेरी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुझे, तू मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये बात था जिसके कारण ये लड़की, यानी कि इसको एक्सपोज करने के पीछे पड़ गई थी कि इसका कॉलेज टाइम में क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, और ये सब कुछ बताने में लग गई थी, जो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा था। उतना सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसको जॉब पाना था और वो चाह रही थी किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए। लोग एज अ टीम वर्क करते हैं, तो मैं सोची थी तुम लोगों के साथ में वर्क कर लेती अगर तेरे को कोई इशू नहीं है तो। दोस्त साथ में काम करेगी तो और अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, इसमें इशू का क्या बात नहीं है यहाँ चाहती पर। अपने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, सीरियसली बताऊँ तो, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा, तू भी जानती है मेरे घर के बारे में, मैं बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है? सही है, आप अपने घर को एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको भी साथ में रख लेते तो और अच्छी हो जाती। इतना मिलते कब हो फिर उनसे? तीन तीन से कैसे मैनेज करते, टाइम कैसे निकालते एक साथ? क्या मैं एक बात साथ कर रही है, नहीं होता। इन लोगों की कहानी तो ये बेसिकली वीडियोज है बसंत जांगरा वाला जो हम लाइव स्ट्रीम में इसमें किए थे, ठीक है? उसके बाद इन लोगों के इसका प्रैंक जो है ना कुछ और लेवल पे रहता है, इसमें हंसी मजाक कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक रहता है। ऐसा तो नहीं गली गली में कहीं पे भी वसंत का पापा? इन लोगों की कहानी का तो बात ही कुछ अलग है। इन लोगों की कहानी के बारे में अब क्या बात है, यूज होने के बाद ही ब्रेकअप करते हैं लड़के भी, तो भाई यूज ही होने क्यों देते हैं? लड़का लड़की स्टार्टिंग में समझदार होते नहीं है, जब जब समझदार होते हैं तब तक प्रॉब्लम हो चुका रहता है। इतना अच्छे से पता है सब बातें ना, सब भी है। गलती किसकी है? आपकी लड़कियां ना गलती आपकी है, रियल प्यार ढूंढने के रियल चक्कर में प्यार, ऐसे हाँ, हो बच्चा जाता वो है। हर किसी पर ट्रस्ट करती हैं इतनी। नहीं नहीं मेरे पास बहुत अक्ल है, अच्छा मैं घास भी नहीं डालती। सही है, तो दोस्तों ये सारी वीडियो हम लोग एक कलेक्शन में देखे, ठीक है? इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आगे वाली वीडियोज में।